आज हम एक नया धारावाहिक आरंभ करने जा रहे हैं, एक अगतानुगतिक धारावाहिक। हम सबके जीवन में अचानक कुछ घटनाएं घट जाती है, कई बार जिसका कारण हमें पता नहीं चलता और इसे हम किस्मत मान लेते हैं, पर कुछ विषय में अनजान रहकर हम खुद अपना हानि कर बैठते हैं और उसका फल भुगतना पड़ता है। ऐसे कुछ विषय के बारे में बात करने के लिए हम ये धारावाहिक आप लोगों के बीच लेके आए हैं। अगर इसके द्वारा हम आप लोगों को थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा सतर्क कर सके तो हम समझेंगे हमारी मेहनत सफल रही। तो आइए चलते हैं महानगर के एक परिवार के पास। काशी बोलो तो क्या होगा, बेटा या बेटी? मुझे तो बेटी चाहिए। जो भी हो, हमारी पहली संतान है ना, इसलिए उसे अच्छे से परवरिश करना ही हमारी ड्यूटी होगी, है ना? लेकिन जानते हो, तुम हमेशा बिजी रहते हो। हमारे बच्चे को मैं अकेले कैसे बड़ा करूंगी, बोलो? मैं भी सोचता हूँ, मेरे गैर हाजिरी में अकेले अकेले तुम क्या करोगी? सासू माँ नहीं आ सकती बीमार ससुर जी को छोड़ के। दो चार दिन के लिए शायद आ सकती है। माँ को ही ले आऊंगी। हाँ यही ठीक है, मम्मी के आने से भैया और भाभी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चा भी बड़ा हो जाएगा। मैं माँ से आज ही बात करती हूँ। ओके आकाशी, हमारी बिटिया दिखने में बहुत सुंदर है ना, किसके जैसा होगा? सबने कहा है तुम्हारी जैसी हुई है। अभी किसके साथ है वो? मम्मी के साथ। हाँ आज ही माँ आ गई, तब से उसके साथ ही लगी है। पहला बच्चा प्यारा तो होगा ही, है ना? पापा को छोड़ के ज्यादा दिन नहीं रह सकती, तो सिर्फ दो दिन के लिए आई है, इसलिए उसके पास ही रहना चाहती है। सुनो, आज मम्मी ने कहा कि अच्छे से ज्योतिष को दिखाकर उसकी कुंडली बनाना है। जाओ जाओ दिखा के आओ, और अगर कुछ करना हो तो माँ के रहते ही या फिर मम्मी जी के आने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है। वरुण आ गए, क्या कहा ज्योतिष ने? क्या हुआ, कुछ बुरा कहा? बोलो ना। बुरा नहीं कहा, लेकिन लेकिन क्या? एक अजीब बात ही कहा। अजीब सी बात? कि उसके 1.5 साल होने तक तुम्हारी माँ और तुम्हारी भैया उसे देख नहीं पाएंगे। मतलब? यानी कि मुन्नी की 1.5 साल तक तुम्हारे घर वालों को दूर रहना होगा। ये कैसे संभव है, बोलो? कैसे संभव मुझे पता नहीं, लेकिन बच्ची की भलाई के लिए यही सही है। ओ, देखो देखो बेबी को,
हेलो माय बेबी, दिखाओ दिखाओ। रुको वरुण, क्या हुआ? हुआ नहीं है, होगा। मतलब? मतलब तुम बाहर से घूम के आए हो, तुम्हारे हाथ में शरीर में पूरा कीटाणु भरा हुआ है, और ऐसे अगर तुम हमारे बेबी को छुओगे उन कीटाणुओं से हमारा बेबी बीमार हो सकता है। ठीक है, समझ गया, मैं उसे छूंगा नहीं, एकदम नहा के ही लूंगा, ठीक है? होगा। दिन भर शायद उसी के साथ हूँ, है ना? क्या करूँ, और कोई चारा भी तो नहीं है। सोचता हूँ ये सब मानूंगी नहीं, फिर सोचता हूँ अगर बच्ची को कुछ हो जाए तो। इसलिए तो मैंने मम्मी को नहीं बुलाया। देखो क्या होता है, एक काम वाली बाई रख लेते हैं। काम वाले अनपढ़ होते हैं, ऊपर से गंदे, वो लोग कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ऊपर से बुरा ही करेंगे। लेकिन झिंडाया रख सकते हैं। वो लोग जो तनख्वाह मांगेंगे तुम्हारी आधी तनख्वाह उसी में चली जाएगी, ऐसी इतनी महंगाई, असंभव है। तब उपाय नहीं है। मुझे पता है बच्चे को अकेले बड़ा करना कितना मुश्किल है, इसलिए ज्योतिष और पंडित को कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, वो अकेली अकेली उस बच्ची को कैसे पालेगी। तुम चली जाओ माँ। जा तो सकती हो, जाने के लिए कपड़ा भी भर लिया था। ज्योतिष का बात ना मानने से वो लोग बुरा मान जाएंगे। उसकी सांस तो बस दो दिन रह के चली गई, वो रह भी तो सकती थी। कैसे रह सकती अपने बीमार पति को छोड़ के, मेरा तो कुछ नहीं, बहू है, इसीलिए जाने के लिए तैयार हूँ। उस ज्योतिष को कुछ पता नहीं है क्या, ये पूरी समस्या उनकी बातों की वजह से ही तो हो रही है। शायद उन्होंने कुछ बुरा देखा है, जो हो गया सो हो गया, वो लोग अच्छा रहे, ठीक है हम लोग नहीं जाएंगे। ओम वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, ओम ओम हरियाय नमः, अन्नाय नमः, ओम गृहस्थाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम हरिओम हरिओम हरिओम। अब बच्चे के मुंह में उसके मामा अन्न का निवाला डाले। पंडित जी, उसके मामा जी आ नहीं सकते, यानी आना मना है, इसीलिए। तो फिर उसके पिता ये काम करें। ठीक है। तुम्हें मैं क्या उपदेश दूं बहू, बच्चे को बड़े करने के लिए कम से कम 5 साल तक ध्यान रखना होता है। जी माँ जी, पहले की बात अलग थी, परिवार बहुत बड़े होते थे, सास ससुर ननद, आजकल परिवार छोटे होते हैं। माँ कैसे बच्चों को बड़ा करती है, पहले किसकी गोद में बच्चा बड़ा होता था पता ही नहीं चलता। हाँ माँ, पर क्या करे, नहीं तो गीताली कुछ दिनों के लिए रुक जाए। भाभी देखिए, मैंने कंप्यूटर क्लास में ज्वाइन किया है, अभी मैं कैसे रह सकती हूँ। असल में पहले लड़कियाँ डिलीवरी के टाइम अपने मायके चली जाती थी, 6 महीने तो वही गुजर जाते थे। चाहे जो भी हो करो, बच्चे को कोई हानि ना हो, सावधान रहो। ठीक है माँ, मैं हमेशा नजर रखूंगी। हाँ ठीक है, चल रख अभी। किसका फोन है बेटा? दीदी का फोन था, अनप्रेशन हो गया, लोग भी चले गए, अब वो अकेली अकेली बच्ची को संभाल रही है। मुझे बहुत चिंता रहती है, क्योंकि मैं भी ये सब भुगत चुकी हूँ। मतलब मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन सुनो, मेरा पहला बच्चा आकाशी नहीं है, आकाशी से पहले मेरा एक बेटा पैदा हुआ था। क्या? हाँ, मगर वो जब 3 महीने का था भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। कैसे माँ? मेरा दोष इसी में है, पहला बच्चा उस वक्त मैं नहीं समझ पाई कैसे एक बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, काम में व्यस्त रहती थी और ना समझ की वजह से मैंने उसे खो दिया। माँ तब तो मेरा कोई भाई भी रहा होगा। मैं
बहुत दिनों तक ये दुख भुला नहीं पाई थी। आधी रात को उठकर बच्चे के याद में मैं अकेली रोती थी। उसकी आत्मा की शांति की कामना करती थी। तुम्हारी बातों से मुझे डर लगने लगा है माँ। और दीदी क्या सकेगी बच्चे को अकेले पालने? मैंने उसे बोला है फोन में सावधान से रहने के लिए, बच्चे को अपने आंखों के सामने रखने के लिए। उसको बोला है तुम शायद हमें एक साल के लिए मिल नहीं पाओगे, मगर बच्चे के लिए सावधान नहीं रहने से बच्चे का ही खतरा है। तुम ठीक बोल रही हो माँ, और ज्योतिष के दिए हुए वक्त के बाद भी उसे तेरी जरूरत होगी। होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 साल तक माँ को बच्चों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। भगवान उसका भला करे माँ। जरूर रखेंगे, इंसान भी भगवान के बच्चे जैसा ही है, वही सबकी रक्षा करेंगे, चिंता मत करना। आकाशी तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया, चलने भी लगा है। हाँ बहुत दिन आई नहीं ना मैं। अब बिजी रहती है। जो भी हो उसे इस तरह जमीन पर क्यों बैठाया है? असल में बच्चों को ऊपर रखने से नीचे गिर के चोट लगने का डर रहता है, और सर पे चोट लगने से वो हमेशा के लिए अपाहिज हो सकते हैं। अच्छा ऐसा क्या? कभी कभी तो तुरंत ऑपरेशन करना पड़ता है। हाँ इसलिए जमीन पर रखना ही ठीक है। सिर्फ फ्लोर साफ होना चाहिए। हाँ ठीक बोल रही हो, गिरी हुई चीजों को मुंह में भी ले सकता है, ऊपर से अगर कीड़े मकोड़े हुए तो। हाँ उस दिन बर्मन जी की बेटी ने कुछ मुंह में डाल लिया, तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसके गले में कुछ अटक गया और अब वो नहीं रहा। क्या? हाँ और तब से मैं तो पूरी सतर्क रहती हूँ। चाय लीजिए। आप चाय लेकर आए? ये जब बच्चे के साथ रहती है तो कुछ काम मैं खुद कर लेता, और बच्चे के साथ काम करने से बच्चे को प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसीलिए अकेले छोड़ भी नहीं सकते। आप जब ऑफिस जाती हो? बच्चे को लेके पहले खाना वाना बनाती थी, बाद में डर लगा कहीं तेल का छिड़का पड़ा, गरम कुछ गिरा, इसीलिए छोटे से बिस्तर में उसे लेकर खाना वाना बनाती है। आप लोगों की सावधानी देखकर मुझे अच्छा लगा, भगवान आप लोगों का भला करे। क्या हुआ, कितना कॉलिंग बेल बजा रही हो, कोई खबर ही नहीं है? एक बार फोन कर लेती हूँ। फोन भी नहीं उठा रही है, इधर बच्चा भी रो रहा है, क्या हुआ होगा, क्या करूँ, किसको बोलूँ? छे भगवान, इतनी डर गई थी, फोन नहीं उठाती, दरवाजा नहीं खोलती, इधर तेरा बच्चा रो रहा था। आओ आओ बैठो। नहा रही थी? हाँ। बच्चा क्यों रो रहा था? नहाते वक्त वो देख सके इसलिए दरवाजा खोल के रखा था, कॉलिंग बेल के आवाज पर जग के रोने लगी। ऐसे क्यों रखा? असल में 5 साल की उम्र तक बच्चे को अपनी नजर के सामने ही रखना चाहिए, अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो सारी उम्र पछताना पड़ता है, समझे? मेरा बच्चा सासू माँ के गोद में ही बड़ा हुआ, बहुत बातें अभी भी नहीं जानती। सावधान ना होने से बच्चे को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल है। देखते देखते 1 साल हो गया, वरुण भैया का बच्चा बड़ा हो गया, अभी कोई चिंता नहीं है। ऐसे मत बोलो, समस्या अभी खत्म नहीं हुई। बच्चे को 5 साल की उम्र तक आँखों के सामने रखना चाहिए, माँ बाप के अलावा और किसी की भी जरूरत होती है। अभी तो माँ जा सकती है, कारण ज्योतिष ने 1 साल के लिए मना किया था। हाँ मैं समधन जी को एक फोन करती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, अब रखूँ? किसका फोन है माँ? समधन का फोन, समधन ने बोला है
एक साल गुजर गया, अब ज्योतिष की बात छोड़कर बच्चे के भले के लिए आकाशी के साथ रहना चाहिए। जाओ फिर। लेकिन माँ, बच्चा तो अभी बड़ा हो गया होगा ना? कहाँ बड़ा हुआ है, अभी भी सावधान रहना पड़ेगा। अभी तो चलने लगेंगे, दांत निकलने से कोई भी चीज खाने लगेंगे, चलने लगेंगे, गिरने की संभावना ज्यादा है। 5 साल तक एक महिला को रखने की बहुत जरूरत है, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ओह माँ, उसे देखने मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और एक गुड़िया खरीद देंगे। खबरदार, उसे हानि करने वाले कोई भी चीज मत खरीदना। नहीं खरीदूंगा। ये आपके सामने पेश किया हमने हमारे धारावाहिक का पहला भाग। रोंदी प्रोडक्शन के धारावाहिक का कॉन्सेप्ट है डॉक्टर रन शर्मा का। डॉक्टर शर्मा की अभिज्ञता और निजी अभिज्ञताओं से निर्माणित ये धारावाहिक हेल्थ अवेयरनेस लाने के लिए निर्माण किया गया है। संभव हो तो एक अभिज्ञ डॉक्टर से दोस्ती कर लेनी चाहिए, ताकि आसानी से उनसे सलाह ले सके। एटलीस्ट 5 साल की उम्र तक बच्चे को अपनी नज़र के सामने रखना चाहिए। दादी, बुआ, मौसी जैसे कोई साथ रहने से अच्छा है। अकेले माँ और बच्चे को दूर रखना संकटजनक है। अगले भाग में फिर से मिलने की उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्ते। जिंदगी।